पतंजलि योग दर्शन में आता है, द्वेष आता कहां से? अकारण ही शत्रु क्यों बन जाता है कोई हमारा? क्योंकि वो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। अगर हमारे पास करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जैसी भावना नहीं है तो सच मानिए कई बार तो कोई शत्रु भी स्थिर हो जाता है। बहुत लंबे समय तक किसी से शत्रुता रहती है हमारी, अकारण ही। अगर करुणा नहीं है, मुदिता मैत्री उपेक्षा नहीं है, अंतर में प्रकाश नहीं पहुंचा है तो भारी द्वेष रहता है। कारण राग रहता है, आसक्ति रहती है, अहमता रहती है, ममता रहती है उन पदार्थों से जो अच्छे लगते हैं, जो रुचिकर हैं, प्रियकर हैं, सुखकर हैं। ये क्लेश बने रहते हैं जीवन में। हम राम कथा में चलेंगे, ये बताना चाह रहा था क्लेश टिक नहीं पाएंगे कथा के बाद। जिनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता वो क्लेश है। कथा में क्लेश का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, अविद्या अस्मिता का, राग द्वेष का, अभ्यनिवेश का, किसी भी प्रकार के भ्रम का, भय नहीं रह जाता। और ये चार चीजें सबके साथ है, आहार निद्रा भय मैथुनम। सभी प्राणियों में ये चार क्रियाएं, आहार निद्रा भय मैथुनम, यानी परिवार की वृद्धि। पर कोई चौथी चीज केवल मनुष्य के पास है, वह संस्कार, विचार, अभिव्यक्ति। बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की, इससे बड़ी कोई और उपलब्धि नहीं है। अभिव्यक्ति से बड़ी अभिव्यक्ति से बड़ी कोई उपलब्धि किसी के पास है नहीं, मनुष्य के पास है। उससे सत्य अभिव्यक्त हो सकता है, उसके आचरण से, स्वभाव से, उसकी प्रकृति से, उसकी वाणी से। यद्यपि सत्य परिभाषित नहीं होता, पर वो असत्य की सत्ता अथवा मिथ्या को चुनौती देने के लिए उसकी वाक्मिता इतनी प्रखर होती है। गिरिकंदराओं में बैठे ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए, अरहंतों का, तीर्थंकरों का, बुद्धों का, नानक से लेकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह का, आदिनाथ भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक, और भगवान भाष्यकार शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, और इसके आचार्य स्वयं हनुमान अथवा तो आद्य वाल्मीकि, व्यास, शुक सनकादिक, तुलसी। हम जिसका स्मरण करते हैं उसकी सत्ता हमारे आसपास होती है। अब विज्ञान ने बता दिया है कि आप बार बार जिसका स्मरण कर रहे होते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसने बात सिद्ध की है कि आप जिसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं वो वस्तु आपके आसपास होती है। बार बार किसी का स्मरण किया जाए तो आपकी प्रकृति स्वभाव में, आपकी चेष्टा चितवन में, आपकी मुद्रा और भंगिमाओं में, आपके भास आभास में, आपके पूरे जीवन के ढंग में वो रच बस जाती है चीज जिसका बार 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 स्मरण करते हैं, वो अभिव्यक्त होती है आपसे। ओम पुनंतु देवजना माम पुनंतु मनसा धिया, पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीह माम। इस वेद मंत्र से ये कहते हुए कि हमें सामर्थ्य दें, शक्ति दें, बल दें, योग्यता दें, विवेक दें कि हम इस पवित्रता को अर्जित कर सकें।
ओम पुनंतु माम देव जना पुनंतु मनसा ध्या। सामान्य पूजा भी करने जाओ तो बैठते हैं आप, कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान मंडपम में बैठे हैं, कथा के मंडपम में बैठे हैं, तो पवित्रता के लिए क्या उपक्रम करें। मनसा ध्या, मन से उनका स्मरण करें।